अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गोल्डन आवर विद एचक्यू। हेयर इज़ योर होस्ट हसन अली कादरी एचक्यू विद अनदर एपिसोड, एंड टुडे वी हैव अनदर पर्सनालिटी विद अस। मैं ये कहना चाहूँगा ये बताते ख़ुद एक इंस्पायरेशन है, और इन्होंने जो हम लोगों को सिखाया है, जो हमारे प्रोफेशन में हमारे जूनियर्स को सिखाया है, यू नो ही हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द प्रोफेशन। ही इज़ नन अदर देन जनाब नईम मिस्टर शेख साहब, Thank you and very much. He has been the president of ICAP as well. He has been the president of SAFA, and on top of it he is also involved in IFAC. And aaj hum inse bahut sari cheezein sikhenge bhi sahi, bahut sare sawalat bhi Sheikh sahab se karenge. Sheikh sahab, welcome to the show sir, and it is a pleasure and honor to have you. Thank you Hasan, and it's a pleasure to be on the Golden Hour with HQ. Thank you very much sir. Thank you. अच्छा सर, हम तो आपको जैसे जानते हैं, एंड वी बीन लुकिंग वंस वी एंटर्ड इन द प्रोफेशन टूवर्ड्स दिस एसएमपी साइड, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट यू नो आस्किंग क्वेश्चन ऑन दिस परस्पेक्टिव के जैसे आपने देखा कि आप लोग देखते हैं जैसे बिग फोर में लोग आते हैं जी, बट यू हैव अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ कैरियर जी, एंड यू नो योर कैरियर ट्रांसपायर्स फ्रॉम बीइंग एन एसएमपी जी, एंड यू नो हैविंग दैट सक्सेस फैक्टर इन योर होल प्रैक्टिस। Yeah. तो आप किस तरह देखते हैं, बिकॉज यू नो देर इज अ थिंग कि लोग कहते हैं कि बिग फोर है अपनी जगह, वो एक फैक्टर है, लेकिन माशाल्लाह आपके करियर में जैसे हमने देखा कि ग्रास रूट से आपने स्टार्ट किया जी, एंड यू एंटर दैट पीक, तो उसकी जर्नी के बारे में सर थोड़ा सा। जर्नी यूँ है कि हसन, मैंने बी कॉम तो हिले कॉलेज से किया, और जब मैं सी ए की किसी फर्म में जाना चाहता था, I was looking for CA firms in Lahore. So मेरा background Lahore का नहीं है, तो I was not aware कि Lahore में कौन सी firm है, कौन सी बड़ी firm है, कौन सी छोटी firm है। बल्कि ये भी बड़ा मज़ेदार वाक़या है कि मेरा एक cousin थे Lahore में, and I asked him to help me out. Okay. So वो मुझे किसी के reference से उठाकर नान अदर असाक डार साहब के पास ले गए, जो उस वक्त जनरल मैनेजर थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो डार साहब मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिले, आई वॉज यंग मैन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डार साहब भी नेचुरली यंग, निस्बतन यंग थे, जो उनकी इस वक्त एज है बेसिकली। सो डार साहब ने मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की तरफ भेजा, मुनिफ जियाउद्दीन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, जियाउद्दीन बाबरी साहब उनके पार्टनर थे, प्रिंसिपल पार्टनर थे। तो वहाँ मैंने कुछ महीने शुरू में गुजारे, बट देन आई स्विच टू एस एम मसूदन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ्टर 3 months टाइम बेसिकली। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड ऑफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, जैसे आप देखते हैं जो हमारा इस वक्त जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और माशाल्लाह वी हैव अ लॉट ऑफ नंबर्स नाउ जी, एंड द इंस्टीट्यूट हैज़ ग्रोन अ लॉट, एंड यू नो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन आई वुड से जी। तो आप इस वक्त जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसको कहाँ देखते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा। इंस्टीट्यूट देखें, मैं जब इंस्टीट्यूट का प्रेजिडेंट था तो अ वेरी प्राउड मोमेंट केम, मुझे वहाँ पे मेरी जो सेक्रेटरी थी उसने कहा कि यूनिलीवर के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सही। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बुला लो। तो यूनिलीवर के लोग, उनका सीएफओ, उनकी एचआर की हेड, वो मुझसे आके मिले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो उन्होंने कहा जनाब हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं, और मैंने कहा अच्छा प्लीज़ बताएँ। उन्होंने कहा कि हम यूनिलीवर के अंदर हमारा एक रिचुअल है जिसमें हम कुछ अरसे के बाद, पीरियडिक पीरियड के बाद एक कंपटीशन करते हैं ग्लोबली, क्योंकि यूनिलीवर इज़ अ वेरी बिग मल्टीनेशनल, और उनका उसके अंदर बेसिकली वो अकाउंटिंग फाइनेंस का होता है, बट इट्स अ ब्रॉड कैटेगरी जिसमें यूनिलीवर का स्टाफ जो भी चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो कहते हैं वो हमने कंपटीशन कराया, और उसके बाद वो पहले रीजनल लेवल पर होता है और उसके बाद उसका ग्लोबल कंपटीशन होता है। तो वो कहते हैं जो रीजनल लेवल से 5 टीमें ग्लोबली सेलेक्ट हुई, तो उन 5 टीमों में से जो 2 टीमें थीं वो 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 हर टीम में 3-3 स्टूडेंट थे। सही, ठीक है, 3-3 नॉट स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़ थे उनके बेसिकली। सही। तो वो जो 5 टीमें हुई उनमें से फिर एवेंचुअली जब कंपटीशन हुआ, तो वो जब 2 टीम्स जीत गई जो कि फर्स्ट टीम थी और रनर अप थी, तो देवर 6 प्लेयर्स इन दैट टीम। तो यूनिलीवर के सीईओ ने जब उन टीम से उनकी क्वालिफिकेशन पूछी, तो टू हिज सरप्राइज द 5 पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान। सो ही वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही टोल्ड हिज एचआर टीम दैट आई वांट मोर पीपल फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। तो वो जो टीम आई उन्होंने मुझे कहा जी कि एक तो हम आपसे कोलेबरेट करना चाहते हैं, हमारे साथ कोई आप करें रेगुलर, किस तरीके से हम आपस में कोलेबरेट कर सकते हैं, बट मोर दे आस्क मी
that they want to hold a job fair of Unilever's in the institute annually. सो यू नो दैट वॉज. तो ये तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, बट इसका दूसरा एंगल ये है कि अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो दुनिया का कोई ऐसी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, सही, नॉर्थ अमेरिका से लेकर मिडल ईस्ट से लेकर यूरोप के अंदर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हर जगह मौजूद है और बड़ी तादाद में है, और अब तो हमने उनके 10-12 चैप्टर भी बना दिए हुए हैं. एंड एवरीवेयर वेयर पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ गॉन, दे हैव मेड देयर मार्क. इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. So, बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से पाकिस्तान की जो है डिग्री को देखा जाता है. बिल्कुल सही. जैसे यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज, जब आप बेसिकली एजुकेशन कमेटी में रहे जी, एंड आई हैव हर्ड यू इन वेरियस सेमिनार्स एज वेल, एस एम पी के सेमिनार थे, कि आपने एक तो प्रैक्टिस को इनक्रेज किया एक चीज़, और सेकेंडली एक चीज़ ये भी देखने में आई कि यू टोल्ड पीपल रिगार्डिंग द रेंज ऑफ सर्विसेज, यू नो, and the way people can adopt into practice, coming True. Into practice, and you know, including me, many others, you know, agreed on that point, and today we have come to a situation jahan pe bade achhe success stories aapki wajah se bhi bani. To uske bare mein agar thoda sa share kare. Dekhe Pakistan ke andar main to ye kahunga ki hum agar globally dekhen to practices itni developed nahi hai. People does not come to practices in large number. आप अगर डेमोग्राफिक देखेंगे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट का, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हर साल एनुअल रिपोर्ट देता है, तो आप देखेंगे हार्डली 15-16% लोग जो हैं वो प्रैक्टिस के अंदर हैं. बट जब आप अक्रॉस इवन बॉर्डर इंडिया जाकर देखेंगे तो वहाँ पे ये परसेंटेज इज मच मोर हाई. सो उसकी कुछ तो वजूहत ऐसी भी होंगी कि रेगुलेटर जो हैं वो इतनी ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर रहे द ग्रोथ ऑफ प्रोफेशन, बट उसमें कुछ कसूर मेरे ख्याल है हमारा भी है कि हम लोग इनोवेटिव नहीं हैं. सही. हालांकि द मेंबर्स और स्पेशली आप जो एसएमपी की बात कर रहे हैं, सही, उसमें बहुत बड़ा गुंजाइश है मुख्तलिफ जहतों की और मुख्तलिफ फील्ड्स की, और उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है, बल्कि हम तो कहते हैं कि ही कैन वर्क एनीथिंग अंडर द सन. और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आज से कोई 15-16 साल पहले मैं एक और फर्म में पार्टनर था, ऐसे मसूदन कंपनी में, तो हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क था वहाँ पे, नेक्सिया इंटरनेशनल. तो उन्होंने एक बार हमें अप्रोच किया और उन्होंने हमें कहा कि हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है ये बहुत बड़ा काम है ग्लोबली. बिल्कुल सही. तो यू पीपल शुड वेंचर इन टू दैट एरिया. सही. अब हम अंदाज़ा कर लें कि हमने खैर नहीं किया वेंचर बिकॉज वी हैड टू मच ऑन द प्लेट. तो वो बड़ा आपको ऐसी अच्छी ट्रेनिंग मिली होती है और प्रैक्टिकल आउटलुक होती है कि यू कैन डू सो मेनी थिंग. तो बास कदम अपने आप को महदूद कर लेते हैं चीज़. बट सर आई वुड से कि यहाँ पे मैं ये जरूर शेयर करना चाहूँगा कि जैसे आप एक प्रॉपर एक यू नो बुक कीपिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, और जो आपने एक चीज़ को ट्रांसपायर किया कि बुक कीपिंग यू नो डिफरेंट फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ अ बी कॉमर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रोफेशनल फर्म, यू नो, गिविंग दैट रिलेवेंस, उसके बारे में सर आप देखिए. मैं जब इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट को कहा कि आई वुड लाइक टू मीट द हेड ऑफ द IFC इन पाकिस्तान. सही. तो उनसे टाइम ले लिया, वी वेंट टू इस्लामाबाद. तो IFC के हेड ने कहा जी कि आप, मैंने कहा भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें. सही. तो उन्होंने कहा हम तो अकाउंटिंग प्रोफेशन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है. सही. हमारा तो इनडायरेक्टली नेचुरली वी रिस्पेक्ट यू एंड वी फील दैट यू आर देयर, बट हमारा जो एसल डोमेन है वो नहीं है. तो मैंने कहा आपका डोमेन क्या है मेन हमसे रिलेटेड. तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि यहाँ पे SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उनको डेवलप किया जाए, उनको ग्रो किया जाए. तो मैंने कहा उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उन्होंने कहा जी उसके लिए हमने पूरी एक एजुकेशन सीरीज डेवलप की हुई है. तो मैंने कहा भाई वो क्या सीरीज है? तो उन्होंने कहा जी उसके अंदर उनको बेसिक अकाउंटिंग स्किल क्या है, गवर्नेंस क्या है, एक्सेस टू कैपिटल क्या है, इनहेरिटेंस सक्सेशन प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें. सही. तो मैंने कहा यार आप कैसे एक्सेस करते हैं SME को पाकिस्तान? उन्होंने कहा हम सेमिनार करा देते हैं. मैंने कहा आप यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. उसने कहा वाई? मैं कहा यू हैव टू गो थ्रू अस. मैंने कहा आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के अंदर जो SMEs हैं वो उस SMEs को कैटर करते हैं. सही. आप इमेजिन करें कि अगर आप हमारे मेम्बर्स को ट्रेन कर दें तो वो मेम्बर्स देन कैन पास ऑन दैट नॉलेज टू दी SME. तो उनको बड़ा आइडिया पसंद आया, बल्कि वो कोर्सेज भी कंडक्ट हुए
SMP को की कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए और डाइवर्सिफिकेशंस के लिए, तो वो सब एक्सटेंशन है उसकी, बिल्कुल सही, क्योंकि SMP की जितनी नीड है। आप मेरे ख्याल जो यूनिलीवर की बात कर रहे हैं, तो आई वुड से कि प्रॉब्ली नेशनल फाइनेंस लिमिटेड जो है वो उस चीज का ब्रांच है, उस चीज का बिल्कुल ब्रांच है, यूनिलीवर वहीं से आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो हमारा पहला प्रोग्राम था जो हमने जॉइंटली उन्होंने हमारे साथ स्पॉन्सर किया था। सो तो देखेंगे जो SMPs हैं उनके पास एक बहुत वाइड कैनवस अवेलेबल है। सो आजकल के दौर में यू कैन बी अ वर्चुअल CFO फॉर 10 कंपनीज एग्जैक्टली व्हाइल सिटिंग इन योर ऑफिस, क्योंकि आजकल जिंदगी बदल गई हुई है। So I think we can do a lot. इसमें सिर्फ गौर और फिक्र की ज़रूरत है। अच्छा सर, बिफोर वी गो टू द ब्रेक, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने दोनों हाउसेज को देखा, यू एंजॉयड द प्रेजिडेंसी ऑफ ICAP, अलहमदिल्ला यू हैड अ वेरी ग्रेट टाइम, और हमने उस वक्त वी हैड न्यू हायर्स एज वेल अलहमदिल्ला, एंड यू मूव टूवर्ड्स साफा एज वेल, एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर आई हैड अ कन्वर्सेशन विद यू एंड यू टोल्ड मी दैट वी आर यू नो गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एट द लेवल ऑफ साफा एज वेल। ट्रू। And how do you see your journey as Safa, और कोई उसके हवाले से कोई experience share करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये यार कि मैं, God has been very kind to me. I never visualized I would become a president of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, and never visualized I will become the president of the Safa also. But वो किस्मत कह लें, कुदरत कह लें, हालात वाक़ियात कह लें, थोड़ी बहुत मेहनत का थोड़ा बहुत होता है असर। तो असल में मैंने ये देखा है कि जब भी आपको, आप किसी ऐसी पोस्ट पे चले जाएं, तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं। सही। एक है कि आप काम कुछ ना करें, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टाइम गुजर जाता है, वो एक टेन्योर है, इट विल पास, और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डायनेमिक होती है, और ऑर्गेनाइजेशन की एक डायनेमिक होती है, वो उस फ्लो में चल रही होती है। हाँ, अगर आप अच्छी लीडरशिप हो तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है और बेहतर कर सकती है। तो ये मैंने दोनों रियलाइज किया, जब मैं साफा में था तब भी, और जब मैं ICAP में था तब भी। ICAP जरा बड़ी स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर जरा, उसके अंदर भी काम की बहुत गुंजाइश है, बट साफा क्योंकि थोड़ी सी अनस्ट्रक्चर्ड और लूज है, उसमें काम की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। हमने बहुत वो, मैंने आई स्पेंड गुड 3 ईयर्स, क्योंकि मैं साफा के अंदर पहले उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहा, फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, फिर मैं उसके बाद साफा का प्रेसिडेंट रहा, और मेरा प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हुआ तो यू वुड सरप्राइज कि उनकी हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ कि साफा बोर्ड ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप एक साल एज ए कंसल्टेंट टू द बोर्ड एक्ट करें, विच आई फ्लैटली रिफ्यूज, बट देन ऑल द प्रेसिडेंट, क्योंकि साफा का जो बोर्ड होता है उसमें सारे इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट बैठे होते हैं, सो उन्होंने यूनैनिमसली जब मुझे कहा तो मैं फिर मजबूर हो गया, तो मैंने उनसे कहा कि मेरा इंस्टीट्यूट मुझे इजाजत देगा तो आई विल डू इट, इफ अगर वो नहीं देगा तो मैं नहीं कर सकूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे इजाजत दी। अब आपने वाकया कहा, वाकया तो बहुत है, बिकॉज इंटरेस्टिंगली साफा के अंदर जब मैं था तो मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रेवल भी किया, मैं बहुत बारी मुख्तलिफ हमारे जो मेंबर कंट्रीज हैं वहाँ गया। बट आपको पता है इंडिया के साथ हमारे क्योंकि स्पेशल किस्म के रिलेशनशिप हैं, जी जी, तो वो ज़रा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे साथ। एक तो इस सेंस में डिफरेंट था कि वहाँ पे द साइज ऑफ क्राउड आर वेरी बिग, ओके, यानी मैं जब भी वहाँ गया तो वहाँ पे 6,000 या 8,000 ये नॉर्मली क्राउड का साइज होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जिनको आपने एड्रेस करना है। सो दैट इज वेरी यूनिक, बिकॉज नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड दैट साइज, एक्सेप्ट शायद वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट में मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, पढ़ा नजर नहीं होते। नंबर टू, हमारे साथ उनकी रिलेशनशिप की जो हिस्ट्री और बैकग्राउंड है उसकी वजह से भी एक सेंसिटिविटी आ जाती है बेसिकली। जी जी बिल्कुल है। सो मुझे आज तक याद है कि कई वाकयात हैं, बट आपको एक सुना देता हूँ कि एक दफा हमने हैदराबाद ट्रेवल करना था, हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस थी, मैं साफा का प्रेसिडेंट था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आए। सो जब आप साफा के प्रेसिडेंट होते हैं तो आपके लिए तमाम इंस्टीट्यूट एक तरह से बराबर हो जाते हैं बेसिकली। बिल्कुल सही, सो अच्छा, उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के हालात बड़े खराब थे, तो बड़ी टेंशन थी, और मेरे इंस्टीट्यूट ने मुझे कहा, काउंसिल ने कहा जी कि आप ना जाएं। अच्छा। सो मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट को कहा कि यार मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उस बेचारे ने बड़ा इंसिस्ट किया और रिक्वेस्ट की कि आप इसे रिकंसिडर करें। सही। तो मैंने अपने इंस्टीट्यूट को कहा कि आप इस तरह करेंगे, दिल्ली एम्बेसी में, दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी को फोन करें, बिल्कुल सही, उनसे पूछें कि हम हैदराबाद जाना चाहते हैं तो हम जाएं या ना जाएं। बिल्कुल सही।
तो पाकिस्तान एम्बेसी ने कहा कि नहीं, आप अगर हैदराबाद है तो इट्स नॉट एन इशू बिकॉज हैदराबाद इज अ मेजोरिटी मुस्लिम, तो आप चले जाए। सो जनाब हमने यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया और हम चले गए अमृतसर से, हमने फ्लाइट ली और हम हैदराबाद पहुँच गए। तो हैदराबाद में जब वो उस वक्त जो इंडियन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, अब उसके अंदर ज़मनन ये तफसील भी है, नॉर्मली रिलीजन इज नॉट पार्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंसेज और प्रोसीडिंग, बट उसके अंदर उन्होंने एक भगवान को कि वो ले आए और उसकी उसकी दिए शिये जलाए और एक दिया उन्होंने मुझसे भी दिलवाया। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है। सो नेक्स्ट डे मेरी तकरीर थी जिस टॉपिक पे थी। सो मैं जब तकरीर करने के लिए जा रहा था तो आई थॉट कि मैं, एक तो मेरे दिमाग में वो था भगवान का, दूसरा मेरे दिमाग में ये आया कि आई शुड मेक अ कमेंट अबाउट द पाकिस्तान इंडिया टेंस रिलेशनशिप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उसका दम तकरीबन ब्रिंक ऑफ वॉर पे थे। तो मैंने अपने दोस्तों से मशवरा किया तो उन सब ने कहा नहीं नहीं ये आप मत करें, पाकिस्तान इंडिया ऑफ आइडियंस कौन सा ही है सही? यार मुझे साल एग्जैक्टली 2014 होगा या 15 होगा। बिल्कुल सही सही सही। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बड़ी सेंसिटिव बात है, ये दिस कैन गो, इसके रिएक्शन भी हो सकता है। सही। सो लेकिन मैंने उन्हें कहा कि यार अच्छा वो बहरहाल, लेकिन उन्होंने मुझे काफी मेरे हाथ गोड़े छोटे बल के पकड़े आप मत करें। सो जब मैं स्टेज पे चढ़ा तो मैंने उसका अपना माइंड बना लिया हुआ था। सही। सो पहली बात मैंने जो अपनी जिंदगी में पहली की, हालांकि मैं इंटरनेशनल क्राउड में कभी नहीं करता, मैं शुरू हुआ ना बदू नसली रसूल करीम वह अम्मा बाद उस बिल्ला है मैंने शहीद तो आने रजी, तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अच्छा दूसरी मजार बात इसकी बैकग्राउंड आपको ये भी बताऊं कि मेरी ये एंटिसिपेशन थी कि हैदराबाद में बहुत सारे मुसलमान चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे इंडियन, लेकिन हैरानगी की बात थी कि मुझे पहले पूरे दिन में कोई एक मुसलमान नहीं मिला जिसने कहा होगा कि मैं मुसलमान हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके। अब जब मैंने ये तकरीर की नाबदू नसली से मैं शुरू हुआ और मैं फिर मैंने उनको कहा कि जेंटलमैन बिफोर आई गो टू माई एक्चुअल टॉपिक, मैं आपको वर्बेटिम अल्फाज बता रहा हूँ अपने जो मैंने कहे। सो मैंने कहा लेट मी शेयर विद यू दैट अबाउट 2 weeks बैक व्हेन आई ब्रोक द न्यूज ऑफ माई ट्रेवल टू इंडिया विद माई फैमिली, सो आई सॉ लॉट ऑफ वरिड फेसेज एंड माई वाइफ सेड नो नथिंग डूइंग यू कैन नॉट गो टू इंडिया अंडर दीज सर्कमस्टांसिस व्हेन वी हैव सच टेंशन विद ऑन द बॉर्डर्स। सो आई टोल्ड माई वाइफ दैट यू डोंट नो इंडिया बेटर देन मी एंड आई डिसाइडेड टू कम टू इंडिया। And ladies and gentlemen, when I was walking in the streets of Hyderabad yesterday evening, it was just like back home. अब मैंने तो किसी और सेंस में कहा था, मैंने तो इस सेंस में कहा था कि वो सारा मुसलमान कल्चर और सारा, लेकिन वो कोई उसमें हॉल में तालियां बजी और जब मैं तकरीर करके आया तो एक लंबे लाइन थी लोगों की मुझे ग्रीट करने के लिए, इंडियंस की भी थी, कई इंडियंस ने मुझे ये कहा कि जनाब वो हिंदुओं की, इंडियंस मीन्स थे तो सारे इंडियंस, उन्होंने कहा कि सर आपको तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होना चाहिए, आपने कमाल कर दिया, आपने हमारा दिल जीत लिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए सरप्राइज था, देर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मुझसे आके मिले। उन्होंने पहले तो मुझे कहा कि सर आपने तो कमाल किया, आपने तो अल्लाह का नाम ले लिया, ये तो किसी ने जरूरत नहीं की इधर ले और हम मुसलमान हैं। और सर उन सब ने मुझे कहा कि हम हमारे लिए बड़ी इज्जत होगी कि आप हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने उन्हें कहा यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है लेकिन कि मैं तुम लोगों को खाना खाऊं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यू पीपल हैव कम फॉरवर्ड एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बिकॉज आई वाज रियली आई मीन आई वाज वंडरिंग कि देयर इज नो मुस्लिम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन हैदराबाद। हैदराबाद इज प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम मीडियम। तो इस तरह बड़े वाकयात है, दिस वन ऑफ द व्हिच आई थॉरली एंजॉय। जैसे इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट और जो आपने शेयर किया, हम आगे भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। अब अगर मेरे से अगर आप पूछें दोस्तों तो मैं तो ये कहूँगा कि द क्लॉक शुड स्टॉप यू नो टिकिंग और टाइम ना गुजरे और मैं बातें करता रहूँ और शेख साहब से इसी तरह गुफ्तगू करते रहें, लेकिन टाइम लिमिटेशन भी है। सो नाउ वील गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड वंस वी आर बैक वील डिस्कस द अदर साइड।